जय हिंद स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये पूरे चैप्टर को हम यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे, इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये है क्लास 12th का, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, हमको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म में। थोड़ा देर के लिए ये क्लास 12th को हम इरेज करते हैं, हटाते हैं इसको। तो क्लास 12th में हमको क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर है मेरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, स्पेशली बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, CBSE बोर्ड में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और नीट में एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है इस चैप्टर का। पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब इधर 2 साल 3 साल के अंदर में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछना शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाएंगे कि जो वन शॉट टाइप से, जो सिर्फ NCERT का है, क्योंकि NCERT को जो है अभी नीट बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, या कोई भी एग्ज़ाम है अभी NCERT को सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम लोग सिर्फ NCERT पढ़ेंगे कि NCERT में क्या दिया। तो अकॉर्डिंग टू NCERT जो हमारा पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है NCERT के हिसाब से लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है कि हम लोग 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, बॉर्न करता है, यंग वंस को बॉर्न करता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। बस ये बात है, हमको नहीं पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है लाइफ स्पैन क्या होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस दिन उसका बर्थ हुआ उस दिन से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्लियर हुआ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, यहाँ पर लिखेगा, लिखना है टाइम ड्यूरेशन कहाँ तक, तो बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। देखो लाइफ स्पैन को समझने के लिए एकदम आसान वर्ड में लिख दिया, एज जो होता है आदमी का, एज उम्र जिसको हम लोग बोलते हैं, आयु जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। हाँ, अब इसमें बच्चा सब ये सोचेगा कि बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का, तो उसके दिमाग आएगा कि मान लो कोई आदमी है और 5 साल के अंदर में मर गया तो क्या होगा, पैदा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, तो उसका लाइफ स्पैन कैसे डिसाइड होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा ये बात। दूसरा पेज, तो उसको ध्यान रखने के लिए अब दूसरा पेज हम यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा पेज पे हम बताते हैं, जैसे मान लो कोई आदमी है, तो एक बच्चा है, चाइल्ड है, और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और मान लो 5 ईयर्स के अंदर में उसका डेथ हो जाता है, तब 5 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे, ये जरूर बोलेंगे कि उस बच्चे का ज़िंदगी 5 साल हुआ। लेकिन पूछा जाएगा ह्यूमन का ज़िंदगी कितना होता है, कॉमन ह्यूमन का, तो 5 ईयर्स नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला गया कि अगर एक भी ह्यूमन, अगर एक भी ह्यूमन या ह्यूमन अगर मान लेते कि 90 ईयर्स जिंदा रह गया, तो ह्यूमन का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, जो ईयर्स होता है, उसी को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो दिक्कत, तो यहाँ पर चल के लाइफ स्पैन का मतलब होता है उम्र, एज। तो उम्र कैसे डिसाइड होगा, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेकर के जब उसका डेथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो पहला बात क्लियर हो गया कि लाइफ स्पैन हम लोग किसको बोलेंगे। तो लाइफ स्पैन का डिफिनीशन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो लाइफ स्पैन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो लाइफ स्पैन क्लियर हुआ। हाँ, अब हमारा जब NCERT आप लोग खोलेंगे तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है और उसका लाइफ स्पैन दिया हुआ है, उसको हम लोग एक सेकेंड के लिए देखते हैं यहाँ से कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उसका लाइफ स्पैन कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर बोर्ड है मेरा, NCERT भी मेरे पास है, अब हम यहाँ पर NCERT वहाँ पर खोलते हैं कि उसमें कितना लाइफ स्पैन दिया हुआ है, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एक एक क्लास कर करके हम लोग हर वीडियो, छोटा छोटा वीडियो रहेगा हम लोग का 20-20 मिनट का, और इसमें हम लोग सब चीज़ पढ़ा देंगे। बस आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई क्लास मिस नहीं करना है, और जो दूसरा क्लास होगा वो पहला क्लास पढ़ के दूसरा क्लास पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम खोल देते हैं, जो NCERT होता है, ये ओरिजिनल NCERT है मेरा,
जो आपके पास होगा, तो ये लाइफ स्पेन, और एनसीईआरटी को भी हम कोट करते रहेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे, और आप लोगों को पढ़ना है तो एक नोट्स ले लेना है, पेन ले लेना है और एनसीईआरटी खोल के बैठना है, क्योंकि जो बच्चा मेडिकल के लिए या ट्वेल्थ के लिए पढ़ता है उसको पता है कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन हमसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, अब बहुत कम कर दिया। तो ये ऑर्गेनिज्म है, मेरा एनसीईआरटी तब तक खुल रहा है, बस ये आप लोग ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना है कि नोट्स अपने से बनाना है, सर लोग बना के देंगे, नहीं हम लोग तो बना के देंगे आपको नोट्स, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपने से बनाना है और अपने लैंग्वेज में बनाना है, जितना अच्छा रहेगा जितना आप लोग अपने लैंग्वेज में बनाइएगा। हाँ, कुछ इधर आ रहा है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है, जैसे ये देखिए एलिफेंट है, अब ये एलिफेंट के यहाँ पे जगह दिया है कि जो एलिफेंट होती है ये कितना साल इसका लाइफ स्पेन होता है इस एलिफेंट को, तो यहाँ पे इसको होमवर्क में, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ये होमवर्क आप लोग क्या करना है, इसको नोट कर लेना यहाँ पे एलिफेंट का। उसी तरह आता है रोज का, ये तो आप लोग का फेवरेट फ्लावर है, तो ये रोज का भी आपको क्या करना है, लाइफ स्पेन लिख लेना है। उसी तरह से आता है डॉग का, इसका भी लाइफ स्पेन लिख लेना है। यहाँ पर उसी तरह आएगा क्रो का, तो जैसे एक दो एग्जांपल लिख लिया कि जैसे देख लीजिए क्रो, तो क्रो होता है कितना ईयर्स जिंदा रहता है, तो 15 ईयर्स। तो अब पूछेगा क्रो का लाइफ जितना दिन जिंदा हुआ उसका वो लाइफ स्पेन हुआ। बटरफ्लाई देख लीजिए, तो ये आपका जो इसमें लिखा है वो लिखा है, जो नहीं लिखा है वो आप लोग का होमवर्क हो गया। तो ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया है और क्या चीज़ें नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है बनाना ट्री, तो बनाना ट्री का आपको लिखना है, काऊ का लिखना है, पैरोट का। देखिए आप लोग सोचे भी होंगे कि पैरोट 140 साल जीता है, मतलब लगभग सोचिए 140 साल। वहीं बात करें क्रोकोडाइल कितना ईयर्स जीता है, देखिए क्रोकोडाइल का लिखा हुआ है, बटरफ्लाई का लिखा हुआ है, क्रो का लिखा हुआ है, पैरोट का लिखा हुआ है, बाकी किसका किसका नहीं लिखा है, तो ऊपर में आप जाएंगे तो एलिफेंट का नहीं लिखा है, रोज का नहीं लिखा है, डॉग का नहीं लिखा है, बनाना ट्री का नहीं लिखा है, हॉर्स का नहीं लिखा है, फ्रूट फ्लाई का नहीं लिखा है, राइस प्लांट का नहीं लिखा है, टोटाइज का लिखा हुआ है, बनियान ट्री का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ बातें यहाँ पर याद कर लेना है हमको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो एग्ज़ाम तो कभी ना कभी पूछ सकता है। जब एनसीईआरटी खोलिएगा तो उसके सेकेंड पेज में ये डायग्राम आपको मिलेगा, कोई दिक्कत क्लियर। तो यहाँ पे लाइफ स्पेन आपको लिख लेना है कि डॉग का लाइफ स्पेन कितना हो, जैसे एलिफेंट का कितना होता है, लाइफ स्पेन वही खोल लेना और इसको याद कर लेना, और अपने नोटबुक में देखो, ये डायग्राम नहीं बनाना है अपने नोटबुक में, लेकिन जैसे ये हुआ आपका राइस प्लांट, राइस प्लांट देखे लाइफ स्पेन करके वहाँ पर लिख लेना, कोई दिक्कत। अब इस बात को हम हटाते हैं, आगे आते हैं कि अब अगला हमको क्या पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है, तो अगला टॉपिक अब हम लोग आ जाएंगे फिर अपने बोर्ड पे जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, कि आप कोई भी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी पूछ देगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये पूछ दिया जाएगा आपको, और तुमने कहेगा तो पहला हम लोग लिखते हैं रिप्रोडक्शन, पहले इसको डिफाइन करेंगे कि रिप्रोडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी रिप्रोडक्शन होता है ये जब भी करेगा तो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जब आप लोग 11th पढ़ रहे होंगे तो 11th का फीचर होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात बता दे रहे हैं कि 11th का फीचर होता है। तो सबसे पहले 11th का क्या फीचर होता है कि हम लोग को पहचाना रहता है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। तो 11th में आप जाइएगा तो फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन है वहाँ पर कि व्हाट इज लिविंग, हम लोग लिविंग किसको बोलेंगे। तो जिसके अंदर चार चीजें मिलता है उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं। जैसे देखिए पहला है रिप्रोडक्शन, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर जो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो लिविंग है। दूसरा अगर वो ग्रोथ करता हो, ग्रोथ, तो उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे। अगर उसके अंदर कॉन्शसनेस हो, कॉन्शसनेस हो अगर उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे, रिपोर्ट लिविंग बोलेंगे, अदरवाइज उसको लिविंग। और दूसरा अगर वो मेटाबॉलिज्म करता हो, ये चार चीज़ें अगर जिसके अंदर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अगर ये चार चीज़ें जिसके अंदर नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग। हम कोट करना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्शन में ये बातें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला जो हम बताए हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन को हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक लिविंग प्रोसेस है। पहला बात लिखा है कि एक लिविंग प्रोसेस है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसका पहला बात लिखना है कि इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायो मतलब होता है लिविंग प्रोसेस। तो इसके बारे में पहला बात हमको क्या लिखना है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है।
तो पहला बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन वही ऑर्गेनिज्म करेगा जो क्या होगा, लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा तो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो सबसे पहला डिफिनेशन याद रखना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और ये एनसीईआरटी का लाइन है। दूसरा लाइन कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि ऑर्गेनिज गिव यंग वंस, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग बच्चा चाइल्ड का क्या करता है, बॉर्न करता है, देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए तो दो बात मेरा अभी तक हम क्लियर किए कि एक रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखना है। अगला जो ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे यंग वंस का जन्म करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिव के जगह पे बॉर्न भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन, यंग वन के जगह पे आप ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं, चाइल्ड भी लिख सकते हैं, बेबी भी लिख सकते हैं, प्रोजेनी भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, वर्ड अलग अलग है बाकी सबका सेंस सेम है। अब हमको पढ़ना है लाइफ स्पेन, हम बता देते कि लाइफ स्पेन किसको बोलते हैं, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं, और लाइफ स्पेन को ही हम लोग अपने लैंग्वेज में जैसे उम्र, एज, ये सब बोल देते हैं। अगला बात देखिए, अब हमको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितना टाइप का होता है। यहाँ पे देखिएगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिएगा, अगला जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो हमको पढ़ना है क्या चीज, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, उसका टाइप क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली ये दो टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कॉपी किताब लेके बैठना है, नोट्स बनाते रहना है। तो हम लोग डिफिनीशन जान लिए कि डिफिनीशन मगर रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जान लिए कि रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, कितना टाइप का, तो दो टाइप का। कौन कौन रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का आता है, ध्यान इधर रखना है, पहला और दूसरा। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक जनन भी बोलते हैं हिंदी में, अलैंगिक जनन। हिंदी के बिना तो हम लोग का कोई पढ़ाई नहीं होता, क्या होता है, मदर टंग भी हम लोग हिंदी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला टाइप, दूसरा मेरा टाइप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें देखिएगा उसका क्या टाइप होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन, तो पूछेगा रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होगा, तो दो टाइप का, कौन कौन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो पूछेगा रिप्रोडक्शन का बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, ये स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इस दोनों में अंतर लिखे, और ये बहुत अच्छा होता है, तीन नंबर या फिर पाँच नंबर या फिर दो नंबर का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो पहला हम लोग हेडिंग बनाएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या प्रजनन, जो भी मन करे बोल सकते हैं, अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, बहुत सिंपल है और टेंथ में भी आप लोग पढ़ा होगा,
इसको एट में ही पढ़े होंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ध्यान रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसे देखिएगा, एक लॉजिक हम इसमें देते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको कैसे एग्जांपल, इसका तो एग्जांपल करोड़ों है, बहुत है, लेकिन एक एग्जांपल याद रखने से इसका पूरा डेफिनेशन फिट हो जाता है। जैसे इधर हम साइड में कोना में लिख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा रोज का, रोज के प्लांट्स आप लोग तो बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम वीडियो भी बना ही रहे हैं इसी में, फरवरी मंथ में, आज 12 तारीख भी है। हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल याद रखना है क्या चीज़ का, तो रोज का। अब देखिए, हम लोग जो नेचुरल अपने घर पे जनरली जो करते हैं, रोज का प्लांट लगाने के लिए क्या करते हैं, रोज को जाते हैं, रोज के प्लांट जो भी होता है उसे एक ब्रांच को कट करते हैं और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो वहाँ से क्या मिल जाता है, मेरा प्लांट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, तो उसी तरह से उसमें हम ये बातें नहीं ध्यान रखते हैं कि जिस ब्रांच को हम काटे हैं वो मेल है कि फीमेल है कि क्या, ये बात का ध्यान नहीं रखना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, इसमें मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं आएगा, पहला इसका पॉइंट। सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पहला डेफिनेशन, अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहला डेफिनेशन क्या होगा कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। दूसरा बात क्या होगा, मेल एंड फीमेल कंसेप्ट आर नॉट कंसीडर, मेल एंड फीमेल कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं होता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। कितना अच्छा एग्जांपल, अगर हम लोग रोज का प्लांट लगाए हैं, मान लेते हैं कि रोज जो मेरा है रेड रोज के प्लांट से हम दूसरा प्लांट लगाएं इसके ब्रांच काट के, तो जो प्लांट आएगा वो आम तो नहीं आएगा, रोज ही आएगा, लेकिन रोज भी आएगा तो कैसा आएगा, रेड रोज आएगा, वो भी उसका कलर भी चेंज नहीं करेगा। इस बात से क्या मतलब है कि जैसे जिस ब्रांच इसको लगाए हैं, तो ब्रांच मान लीजिए जो प्लांट क्या है उसके लिए पेरेंट्स हो गया, अब मतलब ये पेरेंट्स की तरह, जैसे हम लोग एग्जांपल देखिए, अगर धान का प्लांट हम लोग लगाते हैं तो उसे धान ही होगा, कभी गेहूं या मकोए या फिर जामुन ये सब कभी नहीं निकलेगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये जो भी पेरेंट्स होगा उस पेरेंट्स का 100% ही उसका चाइल्ड होगा, जो भी आएगा प्लांट वो भी 100% आएगा। तो चाइल्ड के लिए हम लोग क्या एग्जांपल लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, प्रोजेनी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। जो भी ऑफस्प्रिंग होगा आर 100% क्या होगा, सेम होगा। इसको रोज को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, कितना आर 100% सेम, किसके जैसा सेम होगा, टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कितना परसेंट सेम होगा, 100% सेम होगा। अब ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लिख दिए कि जो भी प्रोजेनी यानी जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा रोज के प्लांट से, हम लोग रोज का प्लांट जब लगाते हैं तो उसमें जो भी रोज का प्लांट होगा वो पहले वाले रोज के लिए वो क्या होगा, उसका चाइल्ड हो जाएगा, पहले वाला रोज उसके लिए क्या होगा, पेरेंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब उसके कितना परसेंट सेम होगा, 100% सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट्स से 100% अगर सेम आ जाता है तो उसके लिए बायोलॉजी एक अलग वर्ड इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम असेक्सुअल में ही लिख रहे हैं, हम फिर एक बार और हेडिंग बना देते हैं, ये असेक्सुअल में ही सब हम लोग लिख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल तो इसमें जो 100% जो सिमिलर ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए एक वर्ड आता है जिसका नाम है क्लोन। क्लोन का मतलब जैसे डुअल नेचर होता है ना, क्लोन एकदम सेम है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखना है, असेक्सुअली प्रोड्यूस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आर क्लोन। असेक्सुअली जो प्रोड्यूस होता है कोई भी ऑफस्प्रिंग तो क्या होता है, क्लोन। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा डिफिनीशन बना के लिख देते हैं कि क्लोन किसको बोलते हैं,
यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा क्योंकि नीट में ये बातें पूछा जाता है। तो कुलून हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर सेम। जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सेम हो। जेनेटिकली मतलब उसके अंदर जो जीन है, क्रोमोजोम डीएनए, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह सेम होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। और ये कोलोन सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम कोलोन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना पॉइंट है, उस पॉइंट को अभी हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो देखिए, ये एक नंबर था, दो नंबर, तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ये था मेरा, चौथा पॉइंट। अब अगला हम लोग लिखेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मेरा क्या होगा, ये इतना परसेंट जब सिमिलर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आसान है, इसमें मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, तो इसमें ना ही गैमिट बनाने का ज़रूरत पड़ता है, ना ही फर्टिलाइजेशन करने का ज़रूरत पड़ता है, ना ही इसमें जायगोट बनता है, कुछ नहीं बनता है। तो यहाँ पर लिखिए, गैमिट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस, फॉर्मेशन आर नॉट अकर्स, इसमें क्या चीज़ नहीं बनेगा, तो गैमिट नहीं बनेगा। कितना अच्छा बात है, गैमिट इसमें नहीं बनेगा, ध्यान है कि गैमिट फॉर्मेशन आर नॉट अकर्स। अगला पॉइंट ही लें, 5.6 पॉइंट देखिए, इसी में असेक्सुअल में ही 6 पॉइंट, जब गैमिट नहीं बनेगा तो दो गैमिट मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो गैमिट जब बनेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन आर नॉट अकर्स, क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और जब गैमिट बनता है तो दो गैमिट मिल जाता है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होने से जो चीज़ें बनता है उसको हम लोग जायगोट बोलेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो क्या जायगोट बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो ये भी बात लिख दो, जायगोट आर नॉट फॉर्म, इसमें क्या नहीं होगा, तो जायगोट भी नहीं बनेगा, तो जायगोट भी नहीं बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट, कि ये क्या होता है, सिंपल होता है। इट इज मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, या इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, इजी प्रोसेस। अब आपको पता है कि जो चीज़ें इजी होता है बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। 9 नंबर पॉइंट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कि इट इज फास्ट प्रोसेस, इजी होगा तो क्या होगा, फास्ट होगा। ये था मेरा 9 पॉइंट के बाद असेक्सुअल का जितना कैरेक्टरिस्टिक है, जितना इसके बारे में फीचर लिखा जा सकता है, वो हम सब यहाँ पे 9 पॉइंट के अंदर ला दिए। हाँ, अब इसका असेक्सुअल का टाइप पढ़ना है। तो इसका टाइप पढ़ने से पहले हम लोग असेक्सुअल का जैसे इतना फीचर पढ़ें, 9 पॉइंट पढ़ें कि असेक्सुअल हो क्या क्या हो सकता है, इसी तरह से सेक्सुअल पढ़ेंगे। असेक्सुअल पढ़ने के बाद फिर हम लोग असेक्सुअल का पूरा टाइप पढ़ेंगे। असेक्सुअल और सेक्सुअल को एक जगह पढ़ाने का क्या रीज़न है, क्योंकि जब बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, CBSE में भी पूछा जाता है, हर स्टेट बोर्ड में ये पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो असेक्सुअल जैसे 9 पॉइंट यहाँ पे है, 9 पॉइंट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता देंगे हम, कि 9 में से मात्र 5 ही लिखना रहता है बोर्ड में,
तो 9 याद कर लेना, इसमें दो तीन भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, तो 5 तो याद रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ये खत्म हुआ तो उसी तरह से अब हम अगला हेडिंग क्या बनाएंगे, तो अगला हेडिंग मेरा बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, मात्र 9 पॉइंट इसका पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि 9 पॉइंट इसका क्या होगा। जैसे असेक्सुअल का हम लोग कवर किए हैं, उसी तरह से सेक्सुअल का हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 9 पॉइंट है हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। हर क्लास में एक सीरीज वाइज चलेगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है, कॉपी एनसीईआरटी खोल करके पेंसिल लेके बैठना है और हर चीज़ें एक है सिलो। तो अगला ये हेडिंग डाल देना है, बाकी अगले क्लास में आते हैं। मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।